चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर। विशापहार स्त्रोत्र में कवि धनंजय ने लिखा है, जो मनुष्य तन को ना समझे चेतन को क्या समझेगा। क्या? जो मनुष्य तन को ना समझे चेतन को क्या समझेगा, और जो मनुष्य जीवन ना जाने वह जीव को कैसे जानेगा। जो मनुष्य जीवन ना जाने जीव को कैसे जानेगा। तन को ना समझे, तन आपके पास में तन है, किस किस के पास में तन है, सबके पास में है। अच्छा, सबकी गारंटी आपने ले ली, अच्छा बहुत बढ़िया। सबका श्रेय अपने हाथ में लेने का तो इतना शौक है, अच्छी बात है, लेकिन काम कराने का भी होना चाहिए। तो तन, तन यानी शरीर, तन को समझें। ये तन है क्या, ये शरीर है क्या, इसमें क्या क्या है। इसका उपयोग तो करते हैं मगर इसको जानते नहीं है। तन में क्या क्या है। दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक मुंह है, पूरा शरीर है, सिर पे बाल हैं, अंगुली में नाखून है, पूरे शरीर में रोम है। इतने ही जानते हो ना, है ना। इसमें पांच चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें हम चलाते हैं, जिनका उपयोग जीव पूर्ण रूप से करता है। पांच चीजें यानी पांच इंद्रियां, जिनके माध्यम से बाहर की वस्तुएं, बाहर का वातावरण, बाहर का भोजन आदि का स्वाद, बाहर के शब्द, बाहर के दृश्य हम सब देख पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस करते हैं। हम चाहें तो महसूस करें और हम चाहें तो ना करें। इसमें संभावना दोनों की है। हम चाहें तो किसी वस्तु को देखें और हम ना चाहें तो आंख बंद कर लें। आंख है ना, आंख पे ढक्कन लगा हुआ है, जरूरत हो तो ढक्कन खोलो, ना हो तो मत खोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। आंख पे ढक्कन है, मुंह पे ढक्कन है, है कि नहीं है। जब चाहो खोलो और नहीं चाहो तो बंद कर लो। मतलब आंख और मुंह पे ढक्कन है, नाक पे और कान पे ढक्कन नहीं है। नाक पे ढक्कन तो पॉसिबल नहीं था, भाई सो गए और ढक्कन बंद हो गया तो सांस रुक जाएगी, इसलिए उसमें ढक्कन है ही नहीं है। अब कान है, कान पे भी ढक्कन नहीं है, आवाज तो सुननी पड़ेगी, है ना, लेकिन जरूरी जरूरी चीज पे ढक्कन दे दिए हैं। आंख पे पलकों का ढक्कन है, पलकों का पर्दा है, है ना। और जिभ्या इंद्री है, जैसे चक्षु इंद्री है ऐसे जिभ्या इंद्री है। ये आंखों की सुरक्षा का उपकरण है। क्या है ये उपकरण है, जैसे जरा सी तेज हवा चली आंख अपने आप बंद हो जाएगी, जरा सा कोई तिनका आदि उड़ने के लिए आया आंख बंद हो जाएगी, कुछ भी होता है जरा में आंख अपने आप पलक झपक जाती है। यानी आंखों की सुरक्षा के लिए है और आपके संयम के लिए है कि आपको कोई चीज नहीं देखनी है, आप आंख बंद कर लो। ऐसी जिभ्या है, जिभ्या पे तो एक ढक्कन नहीं है, दो दो ढक्कन है। पहले तो दांतों का है, 32 दांत उसके अंदर रहती है, फिर भी कंट्रोल में नहीं है। 32 दांत और ऊपर से फिर ओंठ, इतने दो दो ढक्कन देने के बाद भी ये कंट्रोल में नहीं है। और जबकि सबसे ज्यादा कंट्रोल में यदि जिभ्या हो जाए
तो पूरा जीवन सुधर जाए। जब मन चंचल होता है ना, तो उस समय देखने ये जीभ बहुत चलती है, और जीभ को शांत कर लो तो मन भी रुक जाता है। कभी आप प्रैक्टिकल करना, अपना दिमाग ज्यादा परेशान हो रहा हो, थोड़ा सा दांतों से जीभ को दबाना, मन के विचार रुक जाएंगे। मन के विचारों का जिभ्या से बहुत ज्यादा संबंध है, और जब आप ध्यान करो बैठ के, तो जीभ एकदम शांत हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है। ये सबसे ज्यादा दिखती भी नहीं है और चलती भी बहुत है, एक तो चखने में और एक बकने में। न चखने में कंट्रोल है, न बकने में कंट्रोल है। यदि जिभ्या कंट्रोल में आ जाए तो पूरा जीवन कंट्रोल में आ जाए। बहुत सेंसिटिव है जिभ्या इंद्री, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा अनुभवशील है। इस जिभ्या इंद्री पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कहा है, इसलिए हमारे यहाँ 12 तप में, तप जानते हो ना, तप यानी तपस्या करना है ना, 12 तप में 6 अंतरंग के हैं और 6 बाह्य तप हैं। बाह्य तपों में से 4 तप, 12 में से 4 केवल जीव के लिए हैं। इंद्री कितनी होती हैं? 5, और 12 में से 4 केवल किसके लिए? अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग। कितने हो गए? 4 हुए कि नहीं? केवल जीव को कंट्रोल करने के लिए 4 तप बता दिए। जो जीव को कंट्रोल कर लेता है उसके 4 तप अपने आप हो जाते हैं, और तप का मतलब है कर्मों की निर्जरा। तप का क्या मतलब है? कर्मों की निर्जरा, भोजन पे कंट्रोल, अनशन उपवास के माध्यम से, उनोदर कम खाने के माध्यम से, व्रत परिसंख्यान नियम लेकर खाओ। आप लोग नियम लेके खाते कि नहीं खाते? अरे बोलिए ना, नहीं खाते? नहीं खाते हो? खाते हो, मुझे पता है आप खाते हो। माँ कहती है बेटा आ जाए फिर खाना खा लूंगी। बेटा कहाँ है तू, जल्दी आ जा। माँ आधा घंटा लगेगा। नियम ले लिया माँ ने, जब बेटा आएगा। नियम लिया कि नहीं लिया है? यही तो नियम, किसी भी तरह के हो सकते हैं। भाई बेटा आएगा तब खाऊंगी, पते देव आएंगे तब खाऊंगी, नियम तो हो गया ना। अब नियम चाहे धर्म के हिसाब से लो और चाहे मोह के हिसाब से लो, नियम तो आपने लिया। धर्म के हिसाब से लेते तो वो तपस्या बन जाता, मोह के हिसाब से लिया तो वो तपस्या नहीं बना। व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग। रस परित्याग करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना। अरे माता जी क्या करें, हो ही नहीं पाता हमारा, ऐसे तो कहते हो। क्या करें, हो ही नहीं पाता, हमसे छूटते ही नहीं मीठा के बिना। भोजन के बाद जब तक मीठा ना मिल जाए खाने के लिए, तब तक तो मन ही नहीं भरता, लगता रहता कुछ खाओ कुछ खाओ, कुछ तो मिल जाए। माता जी कुछ ना मिले तो हम तो चीनी निकालते हैं, उसको ही खा लेते, मगर मीठा चाहिए खाने के बाद में। अब हो गई शुगर, अब डॉक्टर ने कहा रस परित्याग करो, मीठा छोड़ो। बोलो छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? फिर तो छोड़ दोगे। यानी शरीर कहेगा, शरीर बीमारी पैदा कर दे फिर छूट जाएगा। डॉक्टर कह रहा बीपी बहुत बढ़ता है, देखो जरा घी कम खाया करो या घी छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, घी छूट जाएगा। डॉक्टर कहेगा, शरीर कहेगा तो छूट जाएगा, और भगवान महावीर कहेंगे तो नहीं छूटेगा। रस परित्याग, एक एक रस छोड़ करके भोजन करो। तो जिभ्या, 5 इंद्री में जिभ्या इंद्री, कर्ण इंद्री, कान में भी ढक्कन नहीं है भाई, सुनना जरूरी है। बाय चांस किसी ने कोई जरूरी बात कही और कान का ढक्कन खोलना भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये कान तो तुम्हारी हर जगह रक्षा करता है। आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे से आवाज आ गई कि कोई बड़ा ट्रक आ रहा है और वो भोंपू बजा रहा है, तो किनारे हो गए। और यदि ढक्कन बंद हो जाए तो
गए ट्रक के नीचे। आप प्रकृति की व्यवस्था देखो, प्रकृति की व्यवस्था की ऐसा शरीर बनाया है कि कहाँ ढक्कन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ क्या करना, कहाँ क्या नहीं करना, एक एक चीज आप देखो कितनी जरूरी जरूरी और कैसे फिट करी गई है। और इस छोटे से शरीर में आंख भी, कान भी, नाक भी, सब चीज लगा दी, इसमें हार्ट भी लगा दिया, इसमें और क्या क्या होते हैं अंदर, कितनी तरह की मशीनें होती हैं, हैं किडनी है, लीवर है, फेफड़े हैं, हाँ अभी और अंदर जाओ तो बहुत सारी मशीनें मिलेंगी, लेकिन वो मशीन तुम्हारे हाथ में नहीं छोड़ी है। मान लो तुमने भोजन किया तो पचाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा काम केवल भोजन करने का है, पचाना। और ये काम यदि तुम्हारे हाथ में होता तो फिर तो मुंह ही बंद ना होता। खाना और पचाना, पचाना और खाना अपने हाथ से, वो कहते हैं ना मशीन तेज कर देते हैं, जैसे पंखा में बटन होती है ऐसी बटन फिर पेट में भी लगी होती, छह नंबर पे चालू कर देते, फटाफट पचेगा जल्दी निकलेगा फिर अंदर और खाएंगे। ये तो खाने में कंट्रोल तुम्हारे कारण नहीं है, ये तो पेट के कारण कंट्रोल है, शरीर की बीमारियों के कारण कंट्रोल है, वरना तुम्हारे अंदर तो संयम है ही नहीं है। जबकि संयम और तप ये दो चीजें जीवन में बहुत जरूरी है। संयम से रक्षा होती है और तप से कर्मों की निर्जरा होती है और ध्यान से आत्मा शांत होती है, कर्म आने रुक जाते हैं। संयम से पाप आना रुका, तपस्या से जाना शुरू हो गया, लेकिन ध्यान से आना भी रुका और जाना तेज हो गया। इसलिए सब चीज जरूरी है। आप ये सोचो कि व्रत जरूरी नहीं है, उपवास जरूरी नहीं है, भोजन त्याग जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर से तो शुरुआत होगी ना, तभी तो अंदर पहुंचोगे। अंदर पहुंच गए और बाहर आए नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जीवन में व्रत, संयम, उपवास और ध्यान, स्वाध्याय, मतलब आप ये सोचो कि एक जरूरी है और एक जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप एक टेबल भी बनाओ, आपको एक टेबल भी रखना हो तो टेबल में कितने पाए होते हैं, चार, और यदि एक भी ना हो तो, अरे बोलिए ना, नहीं जमेगी, है ना, कम से कम चार पाए तो जरूरी है। ऐसे ही हमारे जैन धर्म में चार अनियोग है, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। चारों का अपना अपना महत्व है, ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए प्रथमानियोग जरूरी नहीं है, करणानियोग जरूरी है, या करणानियोग जरूरी नहीं है, मात्र उपवास व्रत जरूरी है, मात्र उपवास व्रत ही जरूरी नहीं है, केवल आत्मा का ध्यान ही जरूरी नहीं है, नहीं, सब जरूरी है, तभी पूर्णता होगी, इसके बिना पूर्णता नहीं होगी। तो इसी तरह से बात चल रही है तन की, किसकी चल रही है, तन की। जो मनुष्य तन को ना समझे चेतन को क्या समझेगा, और जो मनुष्य जीवन ना जाने जीव को कैसे जानेगा। तो चेतन को समझने के लिए तन को समझना भी जरूरी है। तो ये तन, पांच इंद्रियां, आपके पास प्राण है कि नहीं है, अरे बोलिए ना, प्राण किसे कहते हैं, आत्मा को क्या कहते हैं, अरे जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए, आत्मा को क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं, फिर से बोलिए, आत्मा को प्राण कहते हैं, क्या हुआ, रुक गए, नहीं कहते हैं, तो किसे कहते हैं प्राण फिर, आत्मा को, गलत, आपने धर्म पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है। आप कहते ना हमारे तो प्राण निकल गए, कभी कभी कहते ना हमारे तो प्राण निकल गए, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा लगता है प्राण निकल गए। तो प्राण ही निकलते हैं,
प्राण किसे कहते हैं आप सुन लो, प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं, 5 इंद्रिय, मन बल, वचन बल, काय बल, ठीक है, कितने हो गए? 8, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होते हैं। इन 10 प्राणों से मनुष्य जीवन जीता है। एक जीव के कम से कम 4 प्राण होते हैं और अधिक से अधिक 10 प्राण होते हैं एक जीव के। जैसे पेड़ है तो पेड़ के कितने प्राण हैं? 5 इंद्रियों में से 1 इंद्री, ठीक है, 3 बल में से काय बल, ठीक है, और 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास। कम से कम 4 प्राण तो चाहिए ही चाहिए और अधिक से अधिक 10 होते हैं। आपके पास कितने हैं? तो आप तो बहुत अमीर हो कि नहीं हो, 10-10 प्राण हैं आपके पास में। तो ये 10 प्राण होते हैं और 10 प्राण से रहित आत्मा होता है। आत्मा कैसा होता है? यदि शुद्ध जीव है, शुद्ध आत्मा है, जैसे सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान के कितने प्राण हैं? अरे बोलिए ना, सिद्ध भगवान के कितने प्राण हैं? अरिहंत भगवान के देख लो, अरिहंत भगवान अभी संसार में है। स्पर्शन इंद्री, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, यानी कि अरिहंत भगवान के कितने प्राण हैं और एक इंद्री के कितने प्राण हैं? यानी कि रसना इंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री और कर्ण इंद्री, उनकी जो है दिख तो रही है मगर उपयोग में नहीं है, इनका उपयोग नहीं है, इसलिए इनको गिना नहीं है। दिखने को है तो सही लेकिन गिना नहीं है, इसलिए अरिहंत भगवान के 4 प्राण होते हैं। कितने? 4। उपयोग में कौन सा आ रहा है? स्पर्शन इंद्री, काय बल और इसके साथ में आयु और श्वासोच्छ्वास, केवल 4 ही काम कर रहे हैं। 4 के अलावा बाकी जो 4 इंद्रियां हैं, मन बल है, वचन बल है, ये उनके उपयोग में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके कितने उपयोग में आ रहे हैं? आप 10 प्राणों में से कितने प्राणों का उपयोग करते हैं? इंद्री कितनी होती हैं? कौन कौन सी? चलो मैं आज बता देती हूँ, यहां से गिनो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। याद हुई कि नहीं हुई? कैसे? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, कितने क्रम से लगाई है। ये तुमने नहीं लगाई है, ये तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं लगाई है, ये कर्मों ने लगाई है। किसने लगाई है? कर्मों ने लगाई है। इस तन को कौन बनाता है? इस तन की रचना कौन करता है? माता पिता कहते हमने जन्म दिया है, कहते कि नहीं कहते? तो इसका मतलब इस शरीर किसने बनाया? माने नहीं, किसने बनाया? कर्मों ने बनाया है। किसने बनाया है? कर्मों ने बनाया है। संरक्षण, गर्भ का संरक्षण माँ के गर्भ में हुआ है, मगर बनाया तो कर्मों ने है। यदि माँ अपने बच्चे के निर्माण का कर्ता हो जाए तो कोई बच्चा काला नहीं होगा, कोई बच्चा बीमार नहीं होगा, कोई बच्चे के बाल सफेद नहीं होंगे, कोई बच्चा की आंख छोटी नहीं होगी, बड़ी आंख अच्छी लगती है, कान बड़े अच्छे लगते, सबके कान बड़े होंगे, सबकी आंख बड़ी होगी। लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे हाथ में शरीर को बनाना छोड़ा ही नहीं है, ये तो कर्म ही शरीर की रचना करते हैं। तो जो मनुष्य तन को ना समझे, तन को समझ लो, तन है क्या, शरीर है क्या, प्राण है क्या, यदि इन चीज को समझ लिया तो आत्मा भी समझ में आ जाएगी। अब ये 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों में इसका उपयोग करने वाला कौन है? ये तो मशीन हो गई। आंख का काम है देखना, जैसे तुम्हारा कैमरा होता है, कैमरे में आपने यूं बटन दबाया और यूं, अब उसमें एक छोटे से वो होता है, छेद होता है, छेद कहो या आप क्या कहते हैं उसको, लेंस कहो, लेंस होता है, तो लेंस आगे लगा होता है ना,
तो आपने बटन दबाया और फोटो खींच ली सामने वाले की, तो पूरे मोबाइल से थोड़ी खींची, उसमें एक छोटा सा लेंस था, उसने सामने देखा और फोटो खींच ली। बस ये लेंस है, आंख भी क्या है, लेंस है। ऐसे तुम्हारे मोबाइल में एक रिकॉर्डर होता है, तुमने रिकॉर्डर का बटन दबाया तो रिकॉर्डिंग शुरू, जो तुम बाहर की आवाजें हैं उसने टेप करनी शुरू कर दी। तो ऐसे ये कान क्या है, रिकॉर्डर है। एक तुम्हारे मोबाइल में एक और सिस्टम होता होगा कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो उसे महसूस करके तुम्हें बता देता है इतना टेम्परेचर है। ये हमारा शरीर क्या है, ये जो महसूस कर रहा बाहर कितनी गर्मी है कितनी सर्दी, स्पर्शन इंद्री हो गई है ना, घ्राण इंद्री, घ्राण इंद्री है कि नहीं तुम्हारे मोबाइल में भाई, चक्षु इंद्री है, कण इंद्री है, और रसन इंद्री वो खाएगी तो है नहीं, वो खाने के नाम पे तो तुम्हारा चार्ज लाइट खाती है, हाँ लाइट खाती, खाने के नाम पे लाइट खाती, पेट है उसका, वो उसमें जीव नहीं है, पेट तो है जीव नहीं है, ठीक है। और शरीर का भी जो बाहर का वातावरण वो भी महसूस कर लेती है। अब केवल एक ही चीज बची, वो घ्राण इंद्री उसमें नहीं लगाई गई, बाकी पूरी चार इंद्री तो उसमें आ गई, तो मोबाइल कितनी इंद्री हुआ, अरे बोलिए ना, मोबाइल की कितनी इंद्रियां हो गई, एक भी इंद्री नहीं है, कोई कह रहा चार, कोई कह रहा एक। मोबाइल का भी तो शरीर होता है, मोबाइल में जीव नहीं है, मोबाइल में जीव नहीं है, ये तो विज्ञान का चमत्कार है, ये तो वैज्ञानिकों की खोज है कि उसने पुद्गल पर इतनी विजय प्राप्त कर ली है कि वो इतना सब कुछ एक सेकंड में यहाँ की आवाज दुनिया में भेज देता है, एक सेकंड में प्रोग्राम चल रहा है जहाजपुर में और बैठकर देख रहे हैं ग्वालियर में, मुरार में बैठकर यहाँ देख रहे हो, प्रोग्राम कहाँ चल रहा है, ये विज्ञान की खोज है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि विज्ञान बहुत गहराई में पहुंच गया, लेकिन पुद्गल की खोज में ही पहुंच पाया, आत्मा की खोज नहीं कर पाया। आत्मा की खोज तो ध्यान से होती है, आत्मा की खोज तो साधना से होती है, आत्मा की खोज संयम से होती है, और आत्मा की खोज तपस्या से होती है। इस तन पे तो बहुत कुछ उसने विजय प्राप्त कर ली है, मगर चेतन पर विजय प्राप्त नहीं करी है। बहुत सारी बीमारियां ढूंढ ली, उसके इलाज ढूंढ लिए, लेकिन बीमारियां उससे ज्यादा होशियार है। बीमारी एक का इलाज ढूंढो तो नई बीमारी दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी बीमारी के एक आध साल में इलाज ढूंढ पाते तो तीसरी नहीं हो जाती है, है? यानी कर्म जो है कहीं ना कहीं से निकलते हैं। तुम सोचते हो कि हम कर्मों पर विजय प्राप्त करना है, मगर विज्ञान कर्मों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए तो साधना जरूरी है। इस शरीर पर इतनी सारी मशीनें बना दी कि वो कहीं यहाँ हार्ट में कुछ कोई मशीन लगा देता है, पैर में रॉड लगा देता है, इधर कहीं कुछ लगा देगा, हो गई ना इस तरह की खोजें, लेकिन उसमें आत्मा डाल दे, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसमें विज्ञान से कहो कि आत्मा डाल दे, बोलिए डाल पाएगा, नहीं डाल पाएगा। जब तक इस शरीर में आत्मा है तभी तक इसमें सारे कार्यक्रम हो सकते हैं, और आत्मा निकल गई तो ये फिर किसी काम का नहीं, फिर वो डॉक्टर भी कह देगा आई एम सॉरी, अब आप भगवान से दुआ कीजिए, अब आप किसे मानते हैं, आप उनको याद कीजिए, क्योंकि डॉक्टर तो डॉक्टर उनके पास सब लोग जाते हैं, जो जिसे मानता आप उसे याद कीजिए, आप अपने भगवान को याद कीजिए, अब वही बचा सकते हैं। डॉक्टर भी आखिरी में किसके ऊपर छोड़ देता है, अब पहले चले जाओ ना भगवान के पास, जब डॉक्टर को छोड़ नहीं है तो पहले ही भगवान के पास चले जाओ ना, बात समझ में आई कि नहीं। तो तन को शुद्ध करने का, स्वस्थ करने का जो तरीका है वो केवल से केवल हमारे साधना के साथ ही है, इसमें दोनों काम होते हैं, शरीर स्वस्थ भी होता है, शरीर संयम में भी रहता है,
और इसके साथ कर्म भी हटते हैं और इसके साथ फिर अपने आप पर विजय भी प्राप्त होती है और बीमारियां भी कम होती हैं। तो किसको समझना है? तन को समझना है। क्या समझना है तन में? क्या समझना है? पांच इंद्रियां, तीन बल, कौन कौन से? मन बल, वचन बल और काय बल। ठीक है, मन आपके पास में है, उस पर विजय प्राप्त है कि नहीं? नहीं है। वचन बल आपके पास में है, उस पर विजय प्राप्त है कि नहीं? नहीं है। काय बल आपके पास है, वो भी है, उस पर विजय प्राप्त है? वो भी नहीं है। आयु में तुम कुछ कर नहीं सकते, श्वासोच्छ्वास में तुम कुछ कर नहीं सकते। जितनी आयु लेके आए हो उतना तो जीना ही पड़ेगा, उतनी सांसें तो भरनी ही पड़ेंगी। तो ये तन है, जब तक आयु है तब तक वायु है। वायु यानी श्वासोच्छ्वास। शरीर किस चीज से बना है? किस चीज से बना है? चीज, मटेरियल। मटेरियल क्या है इसका? पांच तत्व से। कौन से पांच तत्व है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इसमें पांच चीजें हैं। ठीक है, पृथ्वी ये किस चीज का है? मिट्टी का। कितना सोना पहना लेना इसको, ये सोने का नहीं बनेगा। एक राजा था, उसे सोने से बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। उसने एक देवता सिद्ध किया, देवता सिद्ध हो गया, बोले तथास्तु, वरदान मांगो। बोले जो चीज मैं छूं वो सोने की हो जाए। तथास्तु, हो गया काम। अब उसने दौड़ के गया, अपने महल को छुआ, महल सोने का हो गया, खंबे को छुआ, खंबे सोने का हो गया। उसने जो 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 दिख रहा था, दिन भर भागता रहा, ना खाया ना पिया, बस उसको पूरे दिन दौड़ता रहा कि क्या क्या सोने का कर दूं। अब जब भूख ज्यादा लग गई तो रोटी खाने बैठा, अपनी बेटी को उसने सिर पे हाथ फेरा। जब खुश हुआ तो फिर प्यार करते हैं बच्चों को भी, तो बेटी के सिर पे हाथ फेरा। शरीर किस चीज का है? मिट्टी का है। कितना सजा लो, ये तो मिट्टी ही रहेगी, ये तुम्हारा सोना बनने वाली। हाँ, वो आप लोग भजन गाते ना, मिट्टी का तू सोने की सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। एक दिन आपको प्रैक्टिकल बताऊं, मैंने पहले भी बताया है कि एक जगह मैं थी, शाम का समय था, शादियों का सीजन था। किसका? अभी भी चल रहा ना, शादियों का सीजन था। तो शाम का समय था, कमरे में बैठे हुए थे, सर्दी का मौसम था इसलिए प्रोग्राम भी नहीं रखा था, और शादियों का सीजन था तो वैसे ही प्रोग्राम कम होता है ना। जब शादियां होती है कहाँ धर्म वरम प्रवचन, माता जी शादी में जाना है। अब एक बहन जी आई, तो वो शादी से लौट के आई थी, रात को करीब 8-8:30 बजे की बात है, वो शादी से लौट के आई थी, और ऊपर से नीचे तक सोने का हार, सोने की चूड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या सब सोने का पहनी थी। अब वहाँ भजन चल रहे थे तो उन्होंने कहा मैं भजन सुनाऊँ, मैंने कहा सुनाओ। अब शुरू हुई, खड़ी हो गई वो, तो वो भजन की जो शुरुआत है वही, सज धज करे जिस दिन मौत की, सच्ची बात है कि नहीं? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, सच है कि नहीं है? ना सोना काम आएगा, चलो उतारो सोने की चैन, रखो यहाँ पे, अभी अभी आपने कहा सच्ची बात है, चलो फटाफट जल्दी उतारो, देखते हैं किस किस को समझ में आई ये बात। अब नहीं, जरूरी नहीं कि जीते जी भी आ जाए, कोरोना में बहुतों ने देख लिया,
सबकी तिजोरियां भरी रह गई, सबके लॉकर भरे रह गए और जाना पड़ा उनको, कुछ काम नहीं आया है कि नहीं। अब वो बहन जी भजन गा रही थी, भजन पूरा हुआ, फिर मैंने उनसे कहा बहन जी आपने ये भजन किसको सुनाया? यदि जो बैठे हैं सामने इनको सुनाया है तो इनको तो देखो समझ में आने वाली है नहीं, ये तो उतारने वाले है नहीं। इन्हें यदि आपने मुझे सुनाया है तो मुझे तो पहले ही समझ में आ गई, मैंने पहले ही छोड़ दिया, सोने का त्यागी कर दिया। और यदि आपने खुद को सुनाया है तो उतारो सारा, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर का, उतरने में भार का, बिजली में तार का, और शास्त्रों में समय सार का। सप्ताह में वार का, घूमने में कार का, और ग्वालियर में मुरार का। दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और ग्वालियर में लोहा मंडी का। शहर में जिला का, शहर में जिला का, साड़ी के पल्ला का, और ग्वालियर के किला का। शरीर में सिर का, बात करने में फिर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोना गिर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और अतिशय क्षेत्रों में जहाजपुर का। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का। और आप सभी को जय जिनेन्द्र करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब जिसमें डबरा भी शामिल है, मुरार भी शामिल है, ग्वालियर भी शामिल है, या यूं माने कि भारत के प्रत्येक जगह से सभी लोग शामिल हैं, ऐसे सिद्ध क्षेत्र सोनागिर पर हम चाहते हैं कि माता जी के सानिध्य में एक सहस्कूट जनालय का निर्माण प्रारंभ हो। उसके लिए हम सिद्ध क्षेत्र कमेटी के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री राजन जी और कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय श्री मूलचंद जी साहब, आदरणीय श्री विजय मामा जी, मुरार समाज के अध्यक्ष आदरणीय महावीर प्रसाद जी, ग्वालियर से अध्यक्ष आदरणीय पदमचंद जी साहब, और डबरा से पधारे हुए सभी गणमान्यों से निवेदन करते हैं कि माता जी के चरणों में हमारी तरफ से और अपनी तरफ से मिलकर श्रीफल अर्पित करें, ताकि हमें माता जी का सानिध्य उस सहस्कूट जनाले के लिए प्राप्त हो सके। ऐसी मेरी सबसे भावना है। और देखिए, राजस्थान से भी, झालावाड़ से हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि हमारे इस कार्य में अपना सहयोग दें। आइए सभी लोग साहब, सभी लोगों को, महिला वर्ग भी इस काम में पीछे न रहे। सहस्कूट जैसा जिनाले बनाने के लिए हम माता जी को निवेदन कर रहे हैं। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है,
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।